हेलो एवरीवन, आज भी हम पांच चार्ट लेंगे। पिछली बार मैंने पांच चार्ट नहीं लिए, चार एक में स्किप कर गई। और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ऐसा हुआ है तो प्लैनेटरी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो मैं आज पहले वो चार्ट लूँगी। 14/1/1985 7:05 AM दिल्ली। जॉब कब लगेगी मिलेगी, बिजनेस करें, अपनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, घर वाले कब बुलाएंगे, लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। देखिए, इनका तो अभी ऐसा एक ही प्लैनेट है मंगल, जो कि ख़त्म हो चुका है 2009 में। अब गुरु की महादशा है। अब जब जब मंगल आएगा या सूर्य आएगा इनको देखे जाएगा। अब रही बात इनके पापा कब बुलाएंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं, अगले साल बुलाएंगे जनवरी के बाद, क्योंकि शनि गुरु के ऊपर से निकलेंगे, वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे घर वापस, ठीक है। दूसरी कि इनकी जॉब कब लगेगी, जॉब इनकी लगेगी 8/2/2021। ठीक है, आगे आपने बोला है सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं। इनकी जिंदगी कभी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स है इनकी जिंदगी में, बहुत प्रेशर है इनके दिमाग पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से चिंता करते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और अगर शादी करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो निभानी पड़ेगी। और जॉब इनकी, जॉब इनकी है 21/4/2020, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी जॉब, ठीक है। और प्रॉपर्टी आपने पूछा कब बनाएंगे, 9/10/2025 में प्रॉपर्टी बनेगी। आपकी एक एक बात का मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। लाइफ में सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते जब एक ही प्लैनेट देने वाला है, तो खर्चे आपको कम करने पड़ेंगे, डिज़ायर्स अपनी कम करनी पड़ेंगी। और इसके बाद आ रही है शनि की महादशा, उसमें भी कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा बस जितना जितना जैसे जैसे आ रहा है वही मैंने आपको बताया, लाइफ स्मूथ नहीं है। आगे चलेंगे, बारह दस 1988 12:06 PM बंगाल बैंकुरा। मेरा अच्छा समय कब आएगा, कभी नहीं। आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती मैं, और ये कहते हुए मुझे भी दुख लग रहा है। 6/8/12 का कॉम्बिनेशन कभी ख़त्म नहीं होगा आपकी लाइफ में, जैसी है ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन हालात कैसे हों, आप में कवर करने की ताकत है, आप में निकलने की ताकत है, ये भी प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन सीधा 11 लॉर्ड 6 में बैठा है और सूर्य आपका एग्जॉल्टेशन बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में 12/8, तो ऐसी रहेगी आपकी लाइफ, ठीक है। आगे सुनते हैं, अपने घर की छत आप साफ रखो, छत पर कूड़ा पड़ा हुआ है, ये लोहा लकड़ी पड़ी हुई है, इसको हटाओ। आपका भी 10th हाउस में रहा हुआ है, जो मंत्र दिया है वो करो जो मैंने बोला हुआ है। और शनि है अग्नि तत्व राशि में, तो आपने ओम प्रजापते नमः ये वाला मंत्र करना है, एक राहु का मंत्र, ओम आस्तिकम मुनि राजम नमो नमः, और भभूति लगानी गले पे, एक ये वाला मंत्र जो मैंने ओम प्रजापते नमो नमः, ये दो मंत्र करो आप, सब छोड़ दो बात, और आप देखना कितना लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/6/1983 टाइम 22:15 प्लेस उदयपुर राजस्थान। तो इनका क्वेश्चन तो मुझे, मैंने लिखना भूल गई, क्या क्वेश्चन है इनका। अच्छा, इनका विदेश जाने का है। देखो, आपके विदेश के योग बने हुए हैं, बस वीज़ा नहीं आ रहा। 9/12 का योग पूरा चल रहा है, 3/9/12, बस वीज़ा आना बाकी है, वो डेट मैं आपको दे रही हूँ। तो वीज़ा कब मिलेगा, 18/7/2019 के बाद आपका वीज़े का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और आपके फॉरन के ही योग है, आप चले जाओगे। ये आपने अच्छा कि अपनी मिसेज की साथ ही भेज दी है, तो उनका मैं एनालाइज कर रही हूँ। 25/9/1987 7:20 AM प्लेस कान करोली राजस्थान। विदेश शेफ सिंगल सन हूँ,
पेरेंट्स पर डिपेंड हूँ, शादी नहीं चल रही, डिवोर्स नहीं लेना चाहता और मेरा अच्छा समय कब आएगा। ठीक है, देखिए आपका अब्रॉड जाना तय है तो आप टेंशन मत लो, एक दो महीने की बात रही है, जुलाई कौन सा दूर है। देखिए जब भी मैच हो चुका है ना तो फिर आप मत पूछो डाइवोर्स का योग, आप देख लो लगन में आपके बीवी के क्या बैठा हुआ है, सूर्य केतु शुक्र कितनी क्लोज डिग्री पर, आपको डाइवोर्स नहीं लेना है क्योंकि आप लेना नहीं चाहते ना, तो उस तरफ सोचना ही बेकार है। ठीक है, इस समय क्या है कि माँ बाप पर डिमांड हो तो मन में सो बातें आती, जब आप बाहर चले जाओगे तो आप अपनी मिसिस को भी बाहर बुलाना, उनके आ रहे हैं 3/8/2021 से योग बन रहे हैं, पहले खुद सेट हो जाओ, वहाँ पर एब्रॉड जाओ, वहाँ शेफ बनो, खुद सेट हो, उसके बाद इनको बुलाओ और कोई डाइवोर्स नहीं लेना और आपका वीज़ा आने वाला है तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, और अगर फॉरेन चले गए तो वहाँ आपकी कमाई है ही है, ये आपको भी पता है। तो एक कुंडली अभी और है लेनी, 29/10/1976 सुंदरगढ़ गुजरात। तो ये बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए एक तो जो भी करना है पेपर वर्क लेके करना है, विश्वास पे नहीं करना कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूं तो कर लो, नहीं, आप उनको जानते हो, दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता, जो जैसा प्रिटेंड करता हम उस पर विश्वास कर लेते ये ऐसा ही है, लेकिन आपने ऐसे लिखा पढ़ी करा के अपना काम करा। अब इनकी कुंडली में क्या है, इनको 5 प्लैनेट देने आ रहे हैं, 4 लेने आ रहे हैं, तो 1% की बचत हो रही है और मैं 7% पे चलती हूँ, चलो ले लेते हैं इसको भी, लेकिन इनके अच्छा कब आ रहा है, सिर्फ आना ही आना है, जाना नहीं है, 7/2/2032 से शनि की महादशा में सिर्फ आना ही आना, जाना नहीं है। आप 4 लेके जा रहे हैं तो आप बिजनेस इनके साथ कर सकते हो और लेकिन लिखा पढ़ी से ऐसे नहीं करना। और इनका क्या है कि अप्स एंड डाउन्स में क्या, 5 बंदे देने आ रहे, 4 लेके जा रहे, तो 1% आपको बच ही रहा है। और दूसरी बात, अच्छी कमाई कब होगी, 2032 में। तो आज हमारे 5 चार्ट पूरे हो चुके हैं, ऐसे ही अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय।